दोस्तों आज हम जानेंगे बालों में पड़ी जुओं को खत्म करने के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। दोस्तों जुएं तो किसी को भी पड़ सकती हैं और इसकी वजह से सर में खुजली भी बहुत अधिक होती है। वैसे तो बहुत से शैम्पू आते हैं जो ये दावे करते हैं कि वो जुओं को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, पर उनमें केमिकल की मात्रा अधिक होती है जिससे आपके बालों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कुछ घरेलू नुस्खों की। पहला है लहसुन। लहसुन की गंध बहुत तेज होती है। अगर इसे पीसकर बालों में लगाया जाए और घंटे भर के बाद बाल धो लिए जाएं, तो सारे जुएं मरकर बालों से बाहर निकल जाएंगी। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकती हैं। दूसरा टिप है, सोने से पहले अपने बालों में सफेद सिरका लगा लें। इसे लगाने के बाद आप तौलिए से अपने सर को कवर कर लें और रात भर इसे लगा रहने दें। सुबह उठकर आप शैम्पू कर लें, इससे सारे जुएं अपने आप बाहर आ जाएंगी। जू होने पर नमक काफी कारगर उपाय है। 5 चम्मच नमक लें और इसे आधा कप सिरके में मिला लें। इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में लगाएं और इसे 2 घंटे तक ऐसे ही रहने दें। इसके बाद बालों को धोकर कंघी कर लें। बेकिंग सोडा जू निकालने में काफी कारगर साबित होता है। इसमें जैतून का तेल मिला लें और इसे सिर पर लगा लें। रात भर इसे लगा रहने दें, फिर सर को धो लें। यह उपाय जू को निकालने के लिए काफी कारगर है। नारियल के तेल को जुए निकालने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। आपके सर में अगर जुए हैं तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर बालों पर लगाएं। इससे जुए मर जाती हैं। तो दोस्तों इन उपायों की मदद से आप जुओं को आसानी से निकाल सकती हैं। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।